बिल्कुल आप देख सकते हैं आग लगने के बाद पटाखा फैक्ट्री में रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। जी हाँ, पटाखा फैक्ट्री है ये। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद सारा का सारा सामान जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो जाता है। आप देख सकते हैं बीड़ी बम यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। जी हाँ, बीड़ी बम अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिन पैकेटों में इन बीड़ी बमों को पैक किया जाता था वो पैकेट भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। करनाल की तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। भाई साहब ऐसे है, हम पड़ोस में रहते हैं, एकदम से बड़ी जोरदार पटाखों की आवाज ठा करके आई और धुआंधार हो गया चारों तरफ। सारे भागे, अंदर 15-20 औरतें काम कर रही थी, वो घबरा के बिल्कुल बाहर भागी। इतना शुक्र है परमात्मा का कि वो सारी औरतें बाहर निकल गई। और इतनी भयंकर आग, इतनी भयंकर आग कि मैं आपको बता नहीं सकता। दो दो फायर ब्रिगेड आई और तब जाके कहीं आग पे काबू पाया गया। ये बिल्कुल पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री है और अनऑथोराइज फैक्ट्री है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले भी कई बार आग लगी, इन्होंने पानी डाल के बुझा दी और ये गेट बंद करके सारे बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है रिस्की तो और भी फैक्ट्रियों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा? भाई साहब सबके लिए रिस्क है, इधर भी रिहायश है सारी, इधर भी रिहायश है, फैक्ट्रियां है, पूरा रिस्क है। पेट्रोल पंप भी है बिल्कुल पीछे, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे पेट्रोल पंप है, जिस भी पेट्रोल पंप तो दो दो फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग पे काबू पाया। फिलहाल आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और काबू पा लिया। आप देख सकते हैं पटाखा फैक्ट्री है ये और पटाखा फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। महिला यहाँ पर काम कर रही थी तब अचानक से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उस सामान को महिलाओं ने यहाँ बाहर भी शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं दूर तक पटाखा पैकिंग करने के पैकेट पड़े हैं, पटाखों के जो बारूद वो पड़े हैं और बीड़ी बम आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। करनाल में अचानक से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, भगदड़ मच जाती है। महिलाएं अंदर काम कर रही थी वो बाहर आ जाती है, अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाया जाता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद हड़कंप मच जाता है, अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। करनाल की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं अचानक से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग जाती है। आप देख सकते हैं ये वो सामान है जहां पर आग लगने के बाद कुछ सामान को बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी उन महिलाओं ने इस सामान को निकालकर बाहर रखा। करनाल से ये बड़ी खबर है जहां पर आप देख सकते हैं अचानक से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो महिलाएं यहां पर काम कर रही थी वो महिलाएं इन पटाखों को बाहर निकाल देती हैं। करनाल में अचानक से पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आप देख सकते हैं फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। आप देख सकते हैं बीड़ी बम यहाँ पर पड़े हुए हैं और जिन बीड़ी बमों को पैकेटों में पैक किया जाता है वो पैकेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और यहाँ से जा चुकी हैं। हालांकि आग कैसे लगी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है और आग पर काबू जरूर पा लिया गया।